फाइनली आप सभी के एक और नया रूट आ चुका है एक्टिविटी के साथ। रूट का नाम मैंने दिया है छपरा V1 रूट, और ये छपरा कचहरी से लेकर थावे तक का रूट अभी मैंने बनाने को ट्राई किया है, जो कि ट्रेन जेट के लिए बहुत ही कम MB में आपको देखने को मिल जाएगा और पूरा एक्टिविटी के साथ पूरे करने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपनी पैसेंजर ट्रेन को हम ड्राइव करेंगे, जो कि छपरा से चलकर थावे जंक्शन तक जाती है। तो पैसेंजर ट्रेन अपनी यहाँ पर रेडी हो चुकी है, अपना लोकोमोटिव आज का है एल्को लोकोमोटिव। ये ड्राइव करने का हमें एक्टिविटी, हाँ अभी सिग्नल में क्लियर नहीं मिला, तभी आगे जाएंगे। अपने लोकोमोटिव का एंटर देता हूँ जब तक मैं। ये ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है पैसेंजर ट्रेन, तो अपने लोकोमोटिव मिला है आज का WDM 3D, और राइट साइड से एक ट्रेन क्रॉसिंग कर रही है, राइट साइड की लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से क्रॉसिंग कर रही है ट्रेन, छपरा कचहरी पर अराइव कर रही है। तो बहुत ही हाई ट्रैफिक होने वाला रूट ये, और इसको फ्री में प्रोवाइड करेंगे आपके लिए एक्टिविटी के साथ। तो हम गेम प्ले भी स्टार्ट करते हैं, और आपको खेलना कैसे आइए इस गेम प्ले में पता लग जाएगा पूरा। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और रूट अपना बनाया है हमारे दोस्त ने, मैं उनका चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, और नाम है उनका रोहित भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल है उनका, जाकर सब्सक्राइब कर लो। ऐसे और रूट्स के अपडेट मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं वैसे तो। बाकी यहाँ पर हाई क्वालिटी तो ऑब्जेक्ट यूज़ किया मेरे को दिख रहा है, फर्स्ट टाइम प्ले कर रहा हूँ ये रूट, और पूरा एक्टिविटी प्ले करूँगा। यहाँ पर हल्का सा लैग हो रहा है डिवाइस में, मेरे डिवाइस का लैग है, और कोई दिक्कत नहीं है अभी। और स्टेशन बोर्ड देखो, छपरा कचहरी लिखा है। अब सिग्नल कब तक मिलेगा हमें, 2 मिनट तक कहा था हमने एक्टिविटी में कि 2 मिनट बाद सिग्नल मिलेगा। चलो सिग्नल का वेट करते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है सामने से एक ट्रेन अभी और आ सकती है। एक बार साइड का सिग्नल चेक कर ले रहा हूँ, हाँ येलो सिग्नल मेरे को मिल चुका है। तो अभी हम डिपार्ट करने के लिए तैयार हैं, और साइड से एक ट्रेन आ रही है क्या? यहाँ तो मालगाड़ी खड़ी है, 6 ट्रेन आगे जाकर रुक चुकी है। 1 मिनट, यहाँ पर भी एक ट्रेन खड़ी थी मेरे को लग रहा है, एक किस तरफ ट्रेन खड़ी थी क्या, तो वो भी हमारे ट्रैक पर आ सकती है। मैंने एक्टिविटी में पहले ही देख लिया था ना उसको, इसलिए कह रहा हूँ शायद वो इस ट्रैक पर आ जाएगी। हम तो अपनी ट्रेन को लेकर चलते हैं आगे यहाँ पर। अच्छा मैं समझ गया अभी क्या करना है अपने को आगे। तो जल्दी से एक लंबा सा हॉर्न देते हैं। येलो सिग्नल मिला है मेरे को अभी यहाँ पर, 10:02 पर डिपार्चर करना था, 30 सेकंड से मैंने लेट कर दिया। अब एक दूसरा लंबा हॉर्न देते हैं, अब यहाँ से डिपार्ट करते हैं। पैसेंजर्स यहाँ पर मूविंग तो नहीं है, मूविंग पैसेंजर वाली एक्टिविटी भी बनाते हैं। बाकी आपको कौन से रूट पर अभी नेक्स्ट गेम पे चाहिए, या फिर आपके लिए कोई अगर रूट बनाना है तो कमेंट बॉक्स में बता दो। थोड़ा सा एल्को पावर को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं अभी। आज पैसेंजर ट्रेन ड्राइव करने वाले हैं, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस तो बहुत ही मैं ड्राइव कर रखा है। ये रूट आपको कैसा लगेगा पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भी कोई नया रूट बताना है हमारे प्रोडक्शन से, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे ग्रुप में। टेलीग्राम का ग्रुप लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हो। और फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, सामने रेड सिग्नल दिखा रहा है जहाँ तक मेरे को लग गया था। तो पैसेंजर ट्रेन है सामने, रुकना तो बनता ही है। मेरे ख्याल से छपरा के बाद ये सिंगल लाइन एक्टिविटी है, पीछे कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं गया। जहाँ तक मैंने छपरा का रूट खेला है वो अपने बरकत शाह ने बनाया था। अगर आप लोग नहीं जानते हो इंडियन रेलवे CRM चैनल को तो बता दूँ, या फिर आप लोगों ने चैनल देखा होगा बैरू लैक्सी गेमिंग, दोनों चैनल के ओनर एक ही हैं बरकत शाह। तो उन्होंने छपरा रूट बनाया था, छपरा से लेकर दरभंगा तक का नॉन स्टॉप एक्टिविटी भी था उसमें। मैंने प्ले किया था उस एक्टिविटी को। यहाँ पर अभी ट्रेन काफ़ी स्लो चल रही है, ट्रैक चेंज भी होने वाला है ना, इसलिए दो बार, एक बार ट्रैक नहीं होगा अपना, नहीं दो बार होगा सामने चलकर। साइड में यहाँ पर क्या दिखाया गया था, पीछे दिखाना भूलिए। ये सुअर यहाँ पर क्या कर रहा है यार, रोहित भाई ने सुअर को नाले में ढकेल दिया ऐसा लग रहा है मेरे को, तो ज़्यादा नाले में ढकेल दिया इनको यार साइड में। बाकी एल्को चकिंग साउंड आपको सही से आ रहा हो ना, और ये RCF कोच हमने यूज़ किया है पूरे MLW के, या फिर जो अपने YouTube चैनल है ना रेल गेमिंग, उनके एडवांस, हम जो भी वो एडवांस प्रोवाइड कराते हैं हमने पूरे एडवांस उन्हीं का यूज़ किया है। तो क्रेड भी आता है अपने क्रिएटर्स को, इनका जो भी और ऑब्जेक्ट है और लोकोमोटिव कोच पैक है इनके ओनर मैं नहीं हूँ, जो भी इनके ओनर्स हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। और रूट बनाया तो अपना रोहित भाई ने बता दिया, एक्टिविटी भी उनका ही है। तो आप लोग भी खेलो और बताना कमेंट में कैसा लगा, और डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो में लिंक मिल जाएगा, बट आपको टारगेट पूरा करना पड़ेगा। टारगेट है इस वीडियो पर 10 लाइक कम्प्लीट करो और रूट को फ्री में ले लो।
और रूट में कोई पासवर्ड लगाएंगे नहीं, सीधा आपको लिंक पे क्लिक करना है, आपका डाउनलोड हो जाएगा। स्पीड अभी इतना काफ़ी है, ट्रैक चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा और दे सकते हैं क्या स्पीड? ट्रेन को ज़्यादा लंबी भी नहीं है, पैसेंजर ट्रेन है इसलिए कम साइज रखा है। यहाँ पर हल्का सा लैग कर रहा है, एक मिनट यार, ये पैसेंजर ट्रेन में जनरल कोच का कर रहा है। यहाँ पर सुपर फास्ट एक्सप्रेस के कोचेस यूज़ किए हैं, ये पैसेंजर ट्रेन में जनरल कोच तो बहुत कम है। इसमें लगा जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया होगा उन्होंने एक्टिविटी बनाने में, लेकिन मस्त बनाया है। तो लास्ट में ठीक है, लास्ट में SLR कुछ दे रखा है यार, और आगे जनरेटर जनरल कोच तो मेरे को दिखाई नहीं इसमें यार। पैसेंजर ट्रेन में पूरी ट्रेन तो स्लीपर है, चलो तो कोई नहीं, 70 का लिमिट है तो उस पर स्पीड कर सकते हैं इंक्रीज, सिग्नल तो बाद में देख लेंगे, रोकने तो है ही हमें। एक बार कैब व्यू में चलते हैं इस तरफ, और ये है अपने ICF का कैब व्यू, कुछ ज़्यादा ही कैमरा एंगल नीचे हो रखा है इसका, और ये दिन में ही स्लीपर कोच का ये उठा हुआ क्यों है, जो सीट होती है सोने वाली मिडिल क्लास की, ये उठी हुई है अभी। तो थोड़ा लोकोमोटिव के पास चलते हैं, एकदम छगिंग साउंड बहुत मस्त तरीके से आ रहा है, और ये केले का पेड़ है ना, एकदम मस्त लग रहा है। तो ज़रा स्पीड करूँगा नहीं, छोटा जीरो थोड़ा कम कर लेता हूँ, फिर सामने ट्रेन को रोकना है रेड सिग्नल के पास। 900 मीटर रह गया, किलोमीटर तो ऐसे दिखा रहा है वो, 900 मीटर वैसे दिखाना चाहिए इसको। चलने दो इसको अब तक अभी। सामने रेड सिग्नल एकदम पास आ चुका है, सामने से मेरे को लग रहा है ना ओवरटेक होगा अपना, तो सामने सिंगल लाइन है और सामने खड़ी है ट्रेन एक। अगर आप लोगों में से भी कोई ट्रेन जेट के लिए रूट बनाता है या फिर कुछ भी मॉडल कन्वर्टिंग वगैरह करता है तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में अभी तो हम कम्युनिटी बड़ी कर रहे हैं, तो अपने ट्रेन जेट के लिए हमारे एक अलग से प्रोडक्शन बनेगा, ASC प्रोडक्शन के नाम से है। तो अभी शाहिद भाई इनएक्टिव है, पार्थ भाई भी अभी कम काम कर रहे हैं फिलहाल, थोड़ा तो बिजी हैं अभी वो लोग, एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, मेरा भी एग्ज़ाम है बस मैं थोड़ा मैनेज कर ले रहा हूँ। इतना स्पीड काफ़ी है मेरा, और एक केले का पेड़ है, और खेत देखोगे तो आप लोग ग्रीनरी बहुत मस्त कर रखी है यार, और ये इलेक्ट्रिक टावर है ना, ये तो और थोड़ा अच्छा हो सकता है। फिर भी रूट मस्त बनाया है, पूरा आपको रूट एक्सप्लोर कर दिखाऊँगा। बाकी मेरे को ये रूट बहुत अच्छा लगा भाई, गुड जॉब यार, पहली बार मैंने बहुत अच्छा एक्टिविटी बनाया है, और रूट भी मानना पड़ेगा भाई को। चलो काफ़ी देर से हमने हॉर्न नहीं किया, हॉर्न करते हैं, ये वाला हॉर्न मस्त लग रहा है या फिर ये वाला, कौन सा हॉर्न मस्त लग रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और आप लोगों का फेवरेट लोकोमोटिव कौन सा है? और मेरा तरह से Web 7 ही है, लेकिन अलग लोकोमोटिव की बात ही अलग होती है। और पीछे इसका लोकोमोटिव फेल हो रखा है क्या? नहीं तो मैंने ऐसे ही चूज़ कर लिया, थोड़ा यूनिक से लगा लोकोमोटिव, ये थोड़ा मेरे को अजीब सा लग रहा है इसलिए मैंने ये वाला लोकोमोटिव ले लिया। अभी तो और आगे चलना पड़ेगा, 300 मीटर पर फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी है मेरी यार, क्या करूँ, पावर बैंक लगा दूँ क्या? बस चार्जर से चार्ज कर लेता हूँ फ़ोन, तो ऐसे खाली जगह है। मैं कह रहा हूँ कि ये गेम प्ले कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर दूँगा। पार्ट 1 में मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म कर दूँगा जब अपना ट्रेन रुक जाएगा तब, ठीक है? और पार्ट 2 में यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा जब अपनी ट्रेन निकल जाएगी इसके आगे तक, ठीक है? पार्ट 1 अपने यहीं पर रखते हैं अभी, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। पार्ट 2 आप लोग पूरा देख लेना गेम प्ले कैसे करना है, कैसे और आगे चलने देते हैं अभी ट्रेन को। एक बार लोकोमोटिव कैब में आते हैं, ये मेरे को ये जो ट्रैक है ना ये मेरे को बहुत मस्त लगता है, क्योंकि ये ट्रैक ना एकदम MST जैसा लगता है मेरे को। आपने मेरे MST गेम पे देखा होगा, तो वहाँ पर भी सेम ऐसे आपको ट्रैक देखने में मिलता है, और सेम वैसे ही है। चलो मैं लोकोमोटिव रोकता हूँ, वैसे नहीं दिखा रहा पास है मेरे को, अभी इतना काफ़ी है, थोड़ा सा और पास चलता हूँ। वैसे एयर ट्रेन अभी आ चुकी है ना सामने, अभी तक मूव नहीं करा इसने, पहले मूव नहीं करेगी तब तक हम निकल नहीं सकते ना, आगे दिक्कत ये भी है। चलो फिलहाल तो मैं ट्रेन को रोकता हूँ, अब इसको देखता हूँ कब तक आ सकती है। सिग्नल फिलहाल साइड के साइड का इसका रेड हो रखा है ना अभी, मैंने तो अपनी ट्रेन यहाँ पर रोक दी है। अब मैं यहाँ पर कैब व्यू में आके वेट करता हूँ कि ये ट्रेन हमें कब तक पास करती है।
34 मीटर पहले रोका मैंने। चलो आज के गेम प्ले में इतना ही। गेम प्ले कैसा लगा आप लोगों को अभी ये वाला पार्ट वन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट टू वीडियो में या फिर किसी अनदर वीडियो में। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।